नमस्कार, बड़ी बात में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ज्योति सांगवान। एससी एसटी एक्ट में बदलाव का फैसला क्या आया कि इसका विरोध सड़क से लेकर सदन तक देखा गया, फिर भी समाधान नहीं मिल पाया। सड़कों पर दलितों के प्रदर्शन के साथ साथ संसद में सांसदों का हंगामा देखा गया। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि फैसला बदला नहीं जाएगा। तो एससी एसटी एक्ट में जरा से बदलाव पर जब दलित सड़कों पर उतर आए तो सियासी पार्टियों के अंदर दलितों को समर्थन देने की होड़ मच गई। वोट बैंक को देखते हुए विपक्षी पार्टियों ने दलितों का समर्थन किया, साथ ही भारत सरकार सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन लेकर पहुंच गई। लेकिन इन सबके बीच सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी ने यह साफ कर दिया है कि सुप्रीम कोर्ट अपने आदेश के अंदर कोई संशोधन नहीं करने वाला। एससी एसटी एक्ट में जरा से बदलाव पर जब दलित सड़कों पर उतर आए तो राजनीतिक पार्टियों के अंदर दलितों की अगवानी की जैसे होड़ लग गई। सियासतदानों की राजनीतिक अभिलाषाएं हिलोरे मारने लगी। सड़कों पर तांडव हो रहा था और राजनीति में बहस छिड़ी थी कि दलितों का नेता कौन है। विपक्ष अपनी दावेदारी के चक्कर में दो कदम आगे बढ़कर सरकार की अनदेखी गिना रहा था, तो सरकार ने चार कदम आगे बढ़कर सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दाखिल कर दी। यानी एक तरीके से सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि आप अपने फैसले पर दोबारा सोचिए। लेकिन सरकार राजनीतिक नफे नुकसान के हिसाब से काम करती होगी। विपक्ष को अपने वोट बैंक की फिक्र होगी, दलित राजनीति की आड़ में रोटियां सेकने वाले नेताओं को अपने चहेतों की फिक्र होगी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट को फिक्र है देश की, संविधान की, कानून की, न्यायपालिका की। उसी न्यायपालिका की जो कहती है कि भले ही कई अपराधी छूट जाएं, लेकिन एक भी बेगुनाह को सजा नहीं मिलनी चाहिए। तो उसी न्यायपालिका के कर्तव्यों को ध्यान में रखकर बहुत सोच समझकर सुप्रीम कोर्ट ने कोई फैसला लिया होगा। लेकिन मजाल है कि इस बहुराजनीतिक तंत्र के तले दबे लोकतंत्र में कोई सही काम बिना हल्ले के हो जाए तो स्वाभाविकता को वास्तविकता में बदलते हुए दलितों ने भी सड़कों पर जमकर तांडव मचाया, जिसके बाद सरकार अपनी अर्जी लेकर सुप्रीम अदालत में पहुंची थी, जिसे मानने से देश की सर्वोच्च अदालत ने साफ इनकार कर दिया। कोर्ट ने कहा कि जो लोग सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं, शायद उन्होंने हमारे फैसले को नहीं पढ़ा। सरकार क्यों चाहती है कि जांच के बिना ही लोग गिरफ्तार हों? अगर सरकारी कर्मी पर कोई आरोप लगाएगा तो वो कैसे काम करेगा? हमने एक्ट की नहीं बल्कि सीआरपीसी की व्याख्या की है। कोर्ट ने सुरक्षा उपाय किए हैं ताकि किसी निर्दोष को सजा ना मिले। ये अकेला ऐसा कानून है जिसमें किसी व्यक्ति को कोई कानूनी उपचार नहीं मिलता। अगर एक बार मामला दर्ज हुआ तो व्यक्ति गिरफ्तार हो जाता है। इस मामले में अग्रिम जमानत का प्रावधान नहीं है, जबकि दूसरे मामलों में संरक्षण के लिए फोरम है, कोर्ट है जो झूठे मामलों में संरक्षण दे सकता है। अगर कोई दोषी है तो उसे सजा मिलनी चाहिए, लेकिन बेगुनाह को सजा न मिले। प्रेरित दुर्भावना और झूठे आरोप लगाकर किसी की स्वतंत्रता का हनन नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी टिप्पणी की है कि सरकार ये क्यों चाहती है कि इस कानून के तहत तुरंत गिरफ्तारी हो जाए। सरकार ने अपनी अपील में तर्क दिया था कि ये फैसला 1989 में अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के उद्देश्यों को कमजोर करता है। ये देश के एससी एसटी समाज के बड़े तबके पर विपरीत प्रभाव डालने वाला फैसला है। खास तौर पर इस समाज के गरीब वर्ग को इससे नुकसान पहुंचेगा। ये सदन की ओर से पारित कानून में शीर्ष अदालत का दखल है। कोर्ट सिर्फ कानून की व्याख्या कर सकता है। सदन में 1989 में एससी एसटी एक्ट को मंजूरी दी गई थी। एससी एसटी एक्ट का सेक्शन 18 इसके बैकबोन की तरह है। ये दलितों और आदिवासियों को संरक्षण का एहसास कराता है। इसके प्रावधानों में बदलाव से इसका मैकेनिज्म बदल जाएगा। बात इतनी भर नहीं है, सरकार ने इस मामले की सुनवाई ओपन कोर्ट में करने की भी मांग की है। क्यों, ये तो सरकार ही बता सकती है, लेकिन यह मामला न्यायपालिका और विधायिका के बीच टकराव जैसा है। मतलब जो हो रहा है और जो कल हुआ है उसमें राजनीति के बड़े रोल से इनकार कैसे किया जा सकता है? क्या इतने बड़े आंदोलन की आहट सरकार को पहले से नहीं होगी? सवाल तो ये भी है कि आखिर ऐसा क्या है कि सरकार जाट आरक्षण से लेकर एससी एसटी एक्ट में बदलाव तक पर कोर्ट के फैसले पर सवाल खड़े करती है। अगर जनहित के मुद्दों पर कोर्ट कुछ निर्देश देता है तो सरकार उसमें कहां तक टांग अड़ाएगी? बात एक्ट में बदलाव होने ना होने की बाद में है। पहले तो सरकार से ये पूछा जाना चाहिए कि इतनी बड़ी हिंसा के लिए आप किसे जिम्मेदार मानते हैं, क्योंकि इतिहास गवाह है, भीड़ को आज तक कम से कम हिंदुस्तान में तो सजा नहीं हुई है।
वकार आलम तुर्की, खबरें अभी तक। तो जो हिंसा हुई उसका जिम्मेदार कौन है और साथ ही मामले पर राजनीति कितनी की जा रखी है, फायदा किसका है, नुकसान किसका है, इसको लेकर चर्चा करेंगे खास पैनल के साथ। हरियाणा बीजेपी से हमारे साथ प्रवक्ता वीरेंद्र चौहान जी हैं, साथ ही कांग्रेस प्रवक्ता रण सिंह मान साहब हमारे साथ हैं, इनेलो प्रवक्ता रविंद्र ढुल हमारे साथ हैं, साथ ही दलितों का पक्ष रखने के लिए दलित नेता विजय कुमार हमारे साथ हैं, रिटायर्ड न्यायाधीश जेसी वर्मा साहब हमारे साथ हैं और राजनीतिक विश्लेषक नरेंद्र विद्या अलंकार हमारे साथ इस चर्चा में हैं। स्वागत है सभी का इस चर्चा में। और चौहान साहब, पहला सवाल आपसे, दो दिन से जो चीजें देखी जा रही है, खासतौर पर कल जिस तरह से बंद देखा गया, उसमें सरकार की क्या जिम्मेदारी है, सरकार कहाँ खड़ी है? देखिए, जो बंद के दौरान जिस तरह की घटनाएं हुई उसके पीछे सीधे तौर पर प्रतिपक्ष की राजनीति है और वो राजनीति ये है कि प्रतिपक्ष किसी भी तरह से नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी को असहज करने के लिए वो तमाम तरह के अपावन गठबंधन, अपावन सूत्र, फॉर्मूले वो तलाश रहा है। सर्वोच्च न्यायालय ने एक फैसला दिया और उस फैसले में वो सही है गलत है इसकी इस पर चर्चा होने की पूरी गुंजाइश रहती है, उसमें पुनर्विचार की याचिका डालने की संभावनाएं जिस दिन वो निर्णय आया था उसी दिन मौजूद थी, इस बात के संकेत भी दे दिए गए थे। तमाम सकारात्मक संभावनाएं होते हुए भी प्रतिपक्ष के मित्रों ने तुरंत उसको लपक लिया, चाहे वो राहुल गांधी हों, चाहे वो मायावती हों, चाहे हमारे हरियाणा में इंडियन नेशनल लोकदल के मित्र हों, इन सब ने मिलकर इस सर्वोच्च न्यायालय के आदेश की को ईंधन बनाया और उस पर आम आदमी की असुविधा का सामान तैयार करने का काम किया। कोरी राजनीति, गजब की बात यह थी कि जो लोग सड़कों पर आंदोलन कर रहे थे उनमें से अधिकांश ऐसे भी थे जिनको यह भी मालूम नहीं था कि काहे के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं। उनमें से कईयों से पूछा भी पत्रकार मित्रों ने तो किसी को यह बताकर बहका करके सड़क पर उतार दिया गया था कि भाई हमारा तो आरक्षण खत्म कर दिया। माने तमाम तरह के जो षड्यंत्र इस सारे घटना चक्र के पीछे रहे हैं ये दुर्भाग्यपूर्ण राजनीति देश में हो रही है। निश्चित रूप से इस तरह की स्थिति होनी नहीं चाहिए थी और हमारे विरोधी जो राजनीतिक दल हैं उनको आत्मनिरीक्षण करना चाहिए कि नरेंद्र मोदी का विरोध करने के बेहतरीन तर्कपूर्ण तरीके इजाद करें तो अच्छा होगा, यूं देश को इस तरह संकट में न डाला जाए। आपने सब कुछ बता दिया कि विपक्ष ने क्या किया, विपक्ष को क्या करना चाहिए था, लेकिन सरकार ने क्या किया और सरकार को क्या करना चाहिए था, इस बात का जवाब नहीं आया। मैं सरकार जैसे ही इस निर्णय की घोषणा हुई सरकार और भारतीय जनता पार्टी ने तत्काल अपनी प्रतिक्रिया दे दी थी कि इसमें पुनर्विचार के लिए हम सर्वोच्च न्यायालय में जाएंगे। वो काम सरकार ने करने का जब स्पष्ट संकेत दे दिया था, जानकारी तो सरकार देखिए सुनिए, जब सर्वोच्च न्यायालय कोई भी देश की अदालत को निर्णय देती है तो उसी दिन उसी घड़ी तत्काल जाया नहीं जाता है, निर्णय आता है, उसको पढ़ा जाता है, उसके पहले तो उसका सारांश ही आएगा, डिटेल निर्णय आने के बाद उसको उसके अध्ययन के बाद जाने की एक प्रक्रिया होती है। तो निर्णय आने के तुरंत बाद जो सांकेतिक कार्रवाई थी, सिद्धांत रूप में एक बात कहनी थी, वो पार्टी की तरफ से, पार्टी के संबंधित अधिकारियों की तरफ से कह दिया गया था। चर्चा की थी, 2 अप्रैल को देशबंद बुलाया गया था, 1 अप्रैल को कानून मंत्री ये कहते हैं कि हम रिव्यू पिटीशन लगाएंगे इस मामले में, 1 अप्रैल की शाम को ये जानकारी दी जाती है, क्या संकेतों से काम चल जाएगा स्थिति को कंट्रोल करने के लिए या फिर जानकारी सरकार देगी? सवाल ये है कि बंद, कोई बंद करने जा रहा है, भारत बंद करने जा रहा है, हम रिव्यू पिटीशन इसलिए नहीं लगा रहे। रिव्यू पिटीशन इसलिए लगाई गई कि उस निर्णय की समीक्षा की आवश्यकता है, उसमें उस पर पुनर्विचार की आवश्यकता है। जो भारत बंद का आह्वान या निर्णय था वो करने वाले कौन लोग थे, वो बसपा, वामपंथी, कांग्रेस, इनेलो, जो लोग मिलकर के राजनीतिक हांडी चढ़ा रहे थे वो तो रिव्यू पिटीशन के बाद भी चढ़ाएंगे। चूंकि कर्नाटक में राहुल गांधी आज भी बोले हैं, उनकी ओर से कहा गया कि पीएम जवाब दें इस पर, क्या चुनावी मुद्दा बनाए जाने की कोशिशें हैं फिर इस मसले को? देखिए, जहाँ तक कांग्रेस पार्टी का ताल्लुक है वो शुरू से पक्ष कर रही है सामाजिक न्याय के पक्ष में, और यूपीए शासन के दौरान ही जो था एससी एसटी जो अत्याचार निवारण कानून बना, तो जहाँ तक वो ये ज़रूर समझी गई, क्योंकि जो एग्जिस्टिंग लॉज थे या प्रोविज़न थे कानून में उससे जो है वो रुक नहीं पा रही थी, कुछ ऐसी बातें जो
दलित समाज है उसको उत्पीड़ित करने वाली थी, उनके अत्याचार देखने में आए बहुत सारे, तो ये कानून की ज़रूरत पड़ी। अब रही बात जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी की, इनमें एक सारी चीज़ों की ये परिभाषा बदलते जा रहे हैं। इन्होंने आज हिंसा की परिभाषा भी बदलने की कोशिश की है, हम सुन रहे थे। ये अपनी सारी विफलताओं को जो इनके विपक्ष के जो इनको नज़र आता है उसी के हिसाब से ये आरोप गढ़ते हैं। हिंसा की परिभाषा मायने इन्होंने ये बदल दिए कि आज ऐसी जो ऐसी समाज के लोग हैं उन्होंने आज किया तो वो इनको हिंसा नज़र आई। इससे पहले हरियाणा में जाट समुदाय का आंदोलन हुआ उसमें इनको हिंसा नज़र आई, और इसके अलावा यदि किसान दिल्ली की ओर कूच करें जाना चाहें तो हिंसा न भड़क जाए। हम मैं ये कर रहा हूँ, कांग्रेस को हिंसा नज़र नहीं, हम वही कर रहा हूँ, मैं इसी बात पर आ रहा हूँ, तब भी आई। और इनको यदि ये गोरक्षा पे करें तो वो हिंसा नहीं है, यदि वो करणी सेना को पद्मावत को लेकर के यदि उनको मनमानी करने दे तो हिंसा नहीं है, कार्रवाई नहीं। सुनिए ना, मैं भी सुन रहा था, आप शांति से सुनिए सारी बातें। इनको केवल अपनी हिंसा हिंसा नहीं लगती और दूसरे जो करते हैं वो हिंसा इनको हिंसा लगती है। हिंसा के मायने बदलने की जरूरत नहीं। सुनिए, मैं कहता हूँ कांग्रेस पार्टी कतई हिंसा में विश्वास नहीं करती। उसका इतिहास है कि उन्होंने हमेशा अहिंसा को सपोर्ट किया है, अहिंसा को देश की आज़ादी में उन्होंने हथियार बनाया और उसी आधार पर देश को आज़ादी भी मिली। पर इनसे निवेदन है कि ये अपनी विफलताओं को दूसरों पे थोपने की कोशिश मत करें। क्या सरकार का ये फर्ज नहीं था जब ये खबर आई, क्योंकि एक तो जो ताज़ा फैसला था माननीय सर्वोच्च न्यायालय का, उसका ये मैसेज गया कि जो कानून बना था 1989 में तो वो जो सेक्शन 18 के तहत केस दर्ज होना था और अग्रिम जमानत का प्रोविजन नहीं था, उसमें जैसे ही अब थोड़ा सा उसमें बदली हुआ तो इसके ऊपर भारतीय जनता पार्टी को बहुत स्पष्ट रूप से जो इनके पास फुल फैक्ट्स थे कि जो अब ये रिव्यू पिटीशन में डाल रहे हैं ये उस टाइम भी कह सकते थे, क्योंकि नोटिस गया जो अटॉर्नी जनरल था भारत सरकार का, जो इस ये जो केस बॉम्बे हाई कोर्ट से और सुप्रीम कोर्ट में आया तो ये रख सकते थे, इन्होंने नहीं रखा। कल जब ये पता चल गया कि जो दलित संगठनों ने भारत बंद का ऐलान किया है, मुझे ये बता दो किस प्रदेश सरकार ने, जहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार है या सेंटर में, किसने अपील की कि आप यदि बंद कर रहे आप बंद मत कीजिए और बंद करते हैं तो शांतिपूर्ण होना चाहिए। कहीं ऐसी सरकार की तरफ से ऐसी कोई कोशिश आई? इन बातों का जवाब दो, विपक्ष पे मंडने की जरूरत नहीं है। ढोल साहब विपक्ष पर आएंगे, चौहान साहब जवाब दीजिएगा। रविंद्र ढोल साहब, जिस तरह से कहा गया कि प्रतिपक्ष का ये पूरा खेला हुआ जो कहीं के एपिसोड पूरा रहा कि साथ आप लोगों ने दिया, समर्थन आप लोगों ने दिया इस पूरे बंद को, और साथ ही जिस तरह से हिंसा हुई उसको, ज्योति एक प्रकार का बेहुदा मजाक है। कैसे है मैं आपको बता देता हूँ, एक मिनट का मुझे समय दीजिए, मैं इसकी इनकी जजमेंट की सुप्रीम कोर्ट की विवेचना ही कर देता हूँ। 20 नवंबर 2017 तारीख नोट कीजिएगा, 20 नवंबर 2017 को जो है माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भारत के अटॉर्नी जनरल को नोटिस किया कि क्योंकि पूरा एक कानून है, इस कानून की इंटरप्रिटेशन की जानी है, तो आप कृपया करके हमें इस मामले में असिस्ट कीजिए। और उसके अंदर पहली चीज़ जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया से पूछी गई थी वो यही ही पूछी गई थी कि क्या सेक्शन 18 के अंदर जो है एंटीसिपेटरी बेल, जिसमें कहते हैं कि एंटीसिपेटरी बेल नहीं ली जा सकती, वो क्या एब्सोल्यूट है, मतलब किसी भी कारण में किसी भी मामले में एंटीसिपेटरी बेल ना दी जाए, इस मामले पर अटॉर्नी जनरल से असिस्टेंट मांगी गई। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं, पैरा 54 इस जजमेंट का, इसी 54 जजमेंट का पैरा 54, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया स्टेटमेंट देते हैं माननीय सुप्रीम कोर्ट के आगे, एडिशनल अटॉर्नी जनरल, क्योंकि एएसजी तो इसमें अपीयर ही नहीं हुए, इनको ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार बताए कि भारत के सर्वोच्च कानून ऑफिसर माननीय सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्ट नोटिस के बाद भी कोर्ट में क्यों नहीं गए। एडिशनल अटॉर्नी जनरल जो है वहां पर अपीयर होते हैं और वो कोर्ट के आगे स्टेटमेंट देते हैं कि हाँ बिल्कुल सही है, सेक्शन 18 में हर मामले के अंदर एंटीसिपेटरी बेल नहीं रोकी जा सकती। आप समझिए, माननीय सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार का स्टैंड है, बिल्कुल सही बात है कि हर मामले में एंटीसिपेटरी बेल नहीं रोकी जा सकती, इसी चीज को सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। अब ये बताइए कि अपना दोगला रवैया यहाँ पर किस चीज का लेकर के आ रहे हैं, किस चीज की रिव्यू पिटीशन है यहाँ पर डालने जा रहे हैं। आप बाकायदा सुप्रीम कोर्ट के अंदर स्टेटमेंट देते हैं और वो स्टेटमेंट पैरा 54 में रिकॉर्डेड है माननीय सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर में, और उस स्टेटमेंट के खिलाफ आप रिव्यू दे रहे, क्यों नहीं अटॉर्नी जनरल वहां पर कोर्ट में गए?
20 मार्च 2018 को ये फैसला आया था ज्योति, बिल्कुल निश्चित रूप से मैं इस बात को मानता हूं कि 1 अप्रैल 2018 से पहले किसी को भी नहीं पता था कि केंद्र सरकार रिव्यू फाइल करने जा रही है। पॉइंट वन। पॉइंट नंबर टू, क्या यूनियन होम मिनिस्टर की ये जिम्मेदारी नहीं थी एक अप्रैल को यहाँ पर जो है मीडिया के सामने आकर के लोगों से अपील करते कि आप दो अप्रैल का भारत बंद को जो है आप रोक दीजिए। तीसरी चीज, भाजपा शासित क्षेत्रों में हिंसा होना और अधिक हिंसा होना भारतीय जनता पार्टी के इस दावे को झुठला देता है जिसमें ये विपक्ष के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। अगली चीज, हम किसी भी हिंसा का समर्थन नहीं करते, भारत बंद को हमारा समर्थन था, निश्चित रूप से समर्थन था। यदि हमारे किसी कार्यकर्ता ने हिंसा की है, मैं चैलेंज देता हूं भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे मित्र को, उनका नाम बताएं, उनके खिलाफ FIR रजिस्टर कराने, उनके साथ मैं थाने में जाऊंगा। चौहान साहब आएंगे, पहला कमेंट ले लें सबसे। विजय कुमार जी, क्या फैसले को पढ़ा गया सबकी ओर से, जो भारत बंद में शामिल हुए जिन लोगों की ओर से जिस तरह से हिंसा भी की गई, जो आरोप है? देखिए, सबसे पहले तो जो हिंसा हुई है मैं उसको कंडेम करता हूं, और सबसे पहली बात यह है कि पुलिस के साथ भी जो हिंसा हुई है वो भी गलत है, और जो लोग मारे गए हैं, जो जिन लोगों को आंदोलन के तहत जो चोटें आई हैं, जो लोग मारे गए हैं, मैं उनके लिए भी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। और इस आंदोलन को अगर देखना है तो इस आंदोलन को हमें समझना पड़ेगा कि दलित एट्रोसिटी का जो इतिहास है वो नया इतिहास नहीं, ये मनुस्मृति के काल से चला आ रहा है, जिसके अंतर्गत हम लगातार जो हैं ढोल गवार पशु शूद्र ते नारी ये सब ताड़न के अधिकारी। भारतीय संस्कृति का मूल है ये, और इस मूल के अंतर्गत भारत देश के 90 से 95% जो आबादी है उसको हम लोगों ने ढोल गवार पशु और शूद्र की तरह रखने की एक रणनीति बनाई है, जिसके तहत ही ये जो हिंसा हुई है और ये जो आंदोलन हुआ है, इस आंदोलन में मुख्य रूप से जो बात आई है वो सामाजिक आंदोलनों की तरफ से आई है, उसमें राजनीतिक हस्तक्षेप का हम कह सकते हैं कि किसी राजनीतिक दल ने उसमें समर्थन दिया, परंतु सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये केवल सामाजिक उन्माद था। लोगों के अंतर्गत आप शिक्षा का निजीकरण कर रहे हैं, 62 विश्वविद्यालयों को आप निजीकरण के हाथों में दे रहे हैं, सब कुछ निजीकरण कर दिया है आपने, निजीकरण के बावजूद आप ये लोग कह रहे हैं कि भाई हम लोग चाहते हैं कि देश तरक्की करे। तरक्की इस तरीके से नहीं होती है, गाय के नाम पे, गंगा के नाम पे आप करोड़ों की, मैं वही बता रहा हूँ आपको, विषय पे हूँ मैं, गाय के नाम पे और गंगा के नाम पर आप करोड़ों का घपला करते हैं, जीएसटी के नाम पे, नोटबंदी के नाम पे। सरकार से ही परेशानी है या इस फैसले से परेशानी? यही मैंने कहा कि परेशानी तो भाजपा से है, परेशानी तो मोदी से है। तो फिर कभी बोलेगा? असली संकट तो ये है, दलित से कोई लेना देना नहीं है। इस तरह से हिंसा की गई, क्या पूरे फैसले की जानकारी भी थी या फिर नहीं? इस पूरे फैसले के बारे में सभी लोग अवेयर थे, वहां ना किसे बरगलाया गया है ना किसे बहकाया गया है, लोग सड़कों पर अपने आप उतरे हैं क्योंकि उनके अधिकारों का हनन हो रहा था। हाँ। और यह जब तक सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कुछ लोगों ने अपने निहित स्वार्थ के लिए लोगों को बरगलाने का काम किया, गुमराह किए जाने का काम किया गया, सरकार जो है इन चीजों के ऊपर जांच करा सकती है, सरकार के पास NIA एजेंसीज हैं, सरकार के पास अपने इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज हैं, उनसे जांच कराई जा सकती है, जांच के आधार पर जो भी पॉलिटिकल पार्टी का स्टैंड मिलता है या वो लोग उसमें शामिल पाए जाते हैं, संलिप्त पाए जाते हैं, तो उन लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। और इसके साथ साथ दूसरा ये है कि दलित अधिकारों के साथ जिस तरीके से छेड़खानी हो रही है और ये जो हिंसा हुई है, इस हिंसा को भी मैं बता देना चाहता हूं कि राजस्थान में आप जाकर देखिए, राजस्थान में करनी सेना के जो लोग हैं वो उनके साथ भिड़ जाते हैं। मध्य प्रदेश से जो मुरैना की खबर आई है उसमें भीड़ के पीछे से एक कैंडिडेट गोली मारता हुआ मिलता है, उस गोली मारने वाले कैंडिडेट को आप फेसबुक से और ट्विटर पर जाकर देख लीजिए वो किसका आदमी है। इन सब चीजों को देखकर हम लोगों को समझना चाहिए कि दलित हिंसा का कभी भी पक्षधर नहीं रहा, वो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को मानने वाला आदमी है, वो संविधान को मानने वाला है, वो हिंसा को मानने वाला नहीं है। आज तक हम लोग कह रहे हैं कि फॉल्स केसेस जो है वो फॉल्स केसेस जो हम कह रहे हैं कि भाई हमारे पास 5,662 केसेस जाए उसमें से 916 लग रहे हैं, 900 शासित राज्यों में ज्यादा हिंसा हुई। आप एक और जवाब लेंगे, फिलहाल रुकिए आप। और साथ ही जिस तरह से ये भी आरोप लगा कि जो गोली मारने वाला इंसान है उसके बीजेपी के साथ तार जुड़ते हैं। देखिए, मैं जो हमारे विजय जी ने जो बात कही उससे बहुत शीशे की तरह चीजें साफ हो गई हैं। असल में जिन लोगों को भारतीय जनता पार्टी से, नरेंद्र मोदी जी से परेशानी है, वो तमाम तरह के की व्यूह रचना करके इस तरह के आरोप लगा रहे हैं जो इन्होंने लगाए, जिनको जिन्होंने मनुस्मृति को ही नहीं पढ़ा, जिन्होंने तुलसी को ही नहीं जाना, तुलसी के एक चौपाई के एक चरण को पकड़कर वो देश और समाज में वैमनस्य से पैदा करना चाहते हैं, वो दलितों के भी हितैषी नहीं है, वो देश के भी हितैषी नहीं है, वो समाज के भी हितैषी नहीं है। गजब की दलील दी है दो मित्रों ने आपके पैनल पे बैठ के कि भाजपा शासित राज्यों में ज्यादा हिंसा हुई है। साहब, ये तो प्रमाणित करता है हिंसा करने वाले चेहरे कौन है,
किसके कार्यकर्ता हैं, सुन लीजिए ना, सुन तो रविंदर जी, रविंदर जी सुन लीजिए, रविंदर जी, रविंदर जी, रविंदर जी सुन तो लो, आपकी बारी में नहीं बोला था, अरे सुनोगे कि नहीं, सुनोगे कि नहीं, मेरे अपनी बारी में, अपनी बारी में देखिए, अगर 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 आप ही तो बोलोगे, आप सुनोगे कि नहीं, हिम्मत है कि नहीं सुनने की। मैं सीधी सीधी बात कह रहा हूँ कि जिन लोगों ने हरियाणा में या दूसरे स्थानों पर हिंसा की वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नहीं है, वो हो नहीं सकते। सुन लो, मेरी बारे में क्यों बोलते हो आप, आपकी बारे में बोला था क्या? मैं उत्तर दे रहा हूँ, अरे मैं उत्तर दे रहा हूँ ना, अगर मेरी पार्टी का सोशल मीडिया पर देखा जा रहा है, मेरी पार्टी का एक आध कार्यकर्ता अगर, पहली बात है नहीं, अगर कोई इक्का दुक्का, सुन तो लो भाई, इक्का दुक्का अगर किसी ने गलती की है, कानून के रास्ते से उसको दंडित करेंगे। जो लोग सड़कों पर आए थे वो कौन थे और वो कितने ज्ञान रखते थे इस कानून के बारे में, इस सारे कानून के बारे में, सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बारे में जानते नहीं थे? विरोध तो नरेंद्र मोदी का करना है, विरोध तो भाजपा का करना है और आंख मूंद कर करना है, संकट ये है। प्लीज सुनिए, आएंगे आपके पास, एक और जवाब लेंगे। विद्या अलंकार जी, कौन सी पार्टी ने कितनी राजनीति की इस पूरे मामले में? ज्योति जी, सारी पार्टियां ही राजनीति कर रही है। जब कोई सत्ता पक्ष में होता है तो उसके अपने मापदंड हैं, और विपक्ष में जब आते हैं तो उनके तौर तरीके बदल जाते हैं। अगर आज ही अगर कांग्रेस सत्ता में होती तो इनका रवैया दूसरा होता और भारतीय जनता पार्टी वही लांछन लगाती और हर चीज़ के लिए जिम्मेदार ठहराती। लेकिन आपको चूंकि विषय ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो दलील दी है कि हमने ये जमानती कर दी है धारा, और दूसरा उसके पहले इन्वेस्टिगेशन होने चाहिए, मुद्दा तो ये है असल में। बाकी जो राजनीति हुई है, कल जो दंगे हुए, फसाद हुए, लोगों की गाड़ियां जला दी, घर जला दिए, तोड़फोड़ किया, वो एक दूसरा पहलू और काफ़ी दुखद है। देखिएगा, हमारे जो सामाजिक संरचना थी उसे हमें समझना चाहिए। आज सारे पॉलिटिशियन बात को भूल गए हैं अपनी राजनीति के चक्कर में कि हमारे समाज का जो ताना बाना है वो एकदम से बिखरने लग रहा है, उसको समेटने की जरूरत है। बिल्कुल। लेकिन आज कोई पॉलिटिशियन चाहे कोई भी राजनीतिक दल है, उसको अपने इंटरेस्ट वाच करने की ही पड़ी है, समाज से उसका कोई लेना देना नहीं है। आज से 25 साल पहले आप जाइए गांव के अंदर, क्योंकि मेजोरिटी में लोग गाँव में रहते थे जी। वो सारे एक दूसरे को, एक दूसरी जाति के लोगों को सम्मान सूचक शब्दों से ही संबोधित करते थे। ठीक है। अब कोई ब्राह्मण है तो उसको दादाजी कहते थे। आज ब्राह्मण दादाजी नहीं रहा, क्योंकि वैमनस्य से इतना हो गया है पॉलिटिकल पार्टियों की वजह से, आज उसको नाम से एड्रेस करते हैं चाहे उसकी उम्र कितनी हो। ऐसे ही जो दूसरी जाति के लोग थे, हमारे अनुसूचित जाति और जनजाति के, उनको भी हम चाचा ताऊ के नाम से एड्रेस करते थे, लेकिन आज वो चीज एकदम से ताना बाना पूरी तरह से बिखर गया है। जेसी वर्मा जी, हालांकि शुरुआत में आपसे करना चाहती थी लेकिन आखिरी कमेंट आपसे लेंगे फिलहाल का, और क्या लगता है जो फैसला दिया गया था उसमें ऐसा क्या था कि इतना विरोध किया जाए, इतनी हिंसा की जाए, बंद बुलाया जाए? देखिए, जहां तक ये पॉलिटिकल पार्टीज के व्यूज हैं, मैं इसमें कुछ एक्सप्रेस नहीं करूंगा। इसलिए नहीं करूंगा कि हर पॉलिटिकल पार्टी अपनी फेवर या अपने अगेंस्ट में वो उसको यूज़ करती है, नहीं करती है। सवाल जो पैदा होता है इसमें कि एस सी एस टी एक्ट में जो प्रोविजन थे, जो प्रोविजन ये थे कि कोई भी किसी शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब के किसी भी दलित को घृणा की नज़र से नहीं देखेगा, ना घृणार्थ में कोई बात करेगा। अगर कोई ऐसा एक्शन होगा तो वो पनिशेबल होगा। प्रोविजन्स थे उसमें और प्रोविजन्स वो अभी भी है, कहीं सब्सटेंशियल लॉ चेंज नहीं हुआ है। एक बात जो सुप्रीम कोर्ट ने कही है और मेरे ख्याल से ये ठीक कही है और कहनी चाहिए थी उनको, और बल्कि हमको इस बात में सोचनी चाहिए, वो ये है कि सिर्फ शिकायत पर ही आदमी को अरेस्ट न किया जाए, उसकी एक इंक्वायरी की जाए। इंक्वायरी भी हाईएस्ट ऑफिसर्स के डीएसपी से हो, परमिशन हो एसएसपी की, और एंटीसिपेटरी बेल का जो प्रोविजन है, जो सेक्शन 18 में है शायद, वो एंटीसिपेटरी बेल का भी इस पर लागू होना चाहिए जैसे बाकी एक्ट में है। ये मेरे ख्याल से कि ये सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट बहुत ठीक जजमेंट है। अगर हम इसमें सारा डाटा देखें जी। जितने हज़ार केस फाइल हुए 25% भी कन्विक्शन नहीं थी। हाँ। इसका मतलब कि 75% केसेस या झूठे थे या मेलाफाइडी थे, जो भी थे।
और अगर आदमी को आप अरेस्ट कर लो, एंटीसिपेटी बेल ना दो, नॉन बेलेबल बना लो, बाद में केस साबित हो के कुछ भी नहीं है, व्हाट अबाउट दैट? ये अगर अगर आपने अरेस्ट करना ही है, एक प्रोविजन रखो उसमें कि अल्टीमेटली अगर आदमी एक्विट हो जाता है जिसने कंप्लेंट की है उसको सजा होगी, उसी प्रोविजन आ जाइए ताकि कोई सेफ गार्ड कहीं ना कहीं तो हो ना। ये पब्लिक की, जनता की और जुडिशियल प्रोसेस को मिसयूज ना करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत हिस्टोरिकल जजमेंट दी है। ये क्यों, मैं तो एक्चुअली आई हैव बीन डीलिंग विद द केसेस आल्सो एंड मैनी ऑफ द केसेस में ये लगता था कि ये ऑन द फेस जज पढ़ के तो नहीं कह सकता कि ये झूठ केस है, ये सच केस है, वो तो इंक्वायरी के बाद ही होगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने, कि पहले इंक्वायरी कीजिएगा उसके बाद एक्शन कीजिएगा। मुझे समझ नहीं आती इसमें भारत बंद की भी क्या जरूरत थी, और मुझे समझ नहीं आती इसमें रिव्यू की भी क्या जरूरत है। रिव्यू किस पॉइंट पे जाएंगे जी, एंटीसिपेटरी बेल वही नहीं होनी चाहिए? एंटीसिपेटरी बेल इज नॉट अ फंडामेंटल राइट, नथिंग इज ए फंडामेंटल राइट। आप क्रिमिनल लॉ में कोई ऐसे, मुझे एक बात बताइए, एक आदमी एक्सीडेंट करता है, एक आदमी मार देता है, उसको अरेस्ट नहीं करते, अरेस्ट करके पुलिस अफसर ही उसको बेल दे देता है, वही आदमी एक्सीडेंट करता है 20 को मारता है, उसी दम उसकी बेल हो जाती है। और अगर इसमें ये कहा जाए कि देखिए कोई अगर अगर हो तो यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, एक मिनट अगर अगर हो तो, अगर अगर सच्चाई भी हो, किसी ने अगर घृणा के तौर पर भी अगर किसी दलित को कुछ कहा है, नहीं कहना चाहिए, दैट इज कंडेमनेबल, तो आप इसको कंडेम कीजिए, आप इसको कंडेम कीजिए, क्या आप इसको कंडेम कीजिए, नहीं आप कंडेम कीजिए इस चीज को, कि अगर कोई जाति के नाम पर किसी व्यक्ति को कुछ कहता है उसे कंडेम करना चाहिए, हमें कंडेम नहीं करना चाहिए, कंडेम नहीं। दूसरी बात क्या है जो आपने कहा, एक मिनट ठहरिए, एक मिनट ठहरिए, आप लॉ के एक्सपर्ट हैं, मैं पॉलिटिक्स में नहीं आऊंगा, आपसे मैं ऐसा एक्सपेक्ट नहीं करता, मैं पॉलिटिक्स में नहीं आऊंगा, यहां फंडामेंटल राइट्स की बात है। जो दलित जो है गुजरात के ऊना में, जिन्हें अरे गाड़ियों से बांध बांध के पीटा जाता है, उन लोगों के खिलाफ मतलब एक इतना बड़ा आप पार्टियों ने फैसला दिया, वो समझाया है दर्शकों को, समझाए जाने की कोशिश है, उससे दिक्कतें परेशानी आप लोगों को क्या होती है, ये प्रोसेस की बात कर रहे हैं, समझने का मसला ये है। आप पहले जो हम बात कर रहे हैं, आप इवन सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को भी पॉलिटिकलाइज कर रहे हैं, दिस इज सैड थिंग, दिस इज सैड थिंग। मैं आपको बता दूं, मैं आपको एग्जांपल देता हूं, आपने अगर जजमेंट को पढ़ा है तो जजमेंट में 5614 केसेज हैं, उनमें से 916 केसेज जो हैं वो फाल्स बताए गए हैं, आप उसका परसेंटेज निकाल लीजिए। दूसरी तरफ मैं बात कर रहा हूं आपके डोरी के जो केसेज हैं, डोरी के जो केसेज हैं, डोरी के केसेज में 50% जो केसेज हैं वो फाल्स बताए गए हैं आप लोगों के आंकड़ों के द्वारा। उसी चीज को लेकर अगर हम उसी चीज को उनके ऊपर थोपें, फाल्स केसेज जो है, अरे इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, आपको देखिए सबसे बड़ी बात इस सेक्टर में, जो सबसे बड़ी बात कही गई है वो ये कही गई है कि इन्वेस्टिगेशन तब होगा। इसमें दो चीजें रखी गई है, पब्लिक जी बीजेपी की तरफ बात कीजिएगा, बोलने दीजिए शर्मा जी को, मैं सुन रहा हूँ, मैं भाजपा सबको बोलने देती है, भाजपा को लांछन दे रहे हैं, दो चीजें मोदी जी हमें मोदी की आजादी आपको उकसा दिया ना, जल्दी कमेंट कीजिए, उकसा दिया मैंने आपको, जेसी वर्मा जी सर प्रधानमंत्री को गाली दे रहे हो, अभिव्यक्ति की आजादी का खूब दुरुपयोग कर रहे हो, किसी को क्या इतराज है कि भाई कोई एक्शन लेने से पैसे पहले एक अफसर फेयर इंक्वायरी कर ले, अगर कोई ये कहता है कि फेयर इंक्वायरी ना करे, जांच से डर क्यों गए, सवाल है अपने आप से बड़ा। मैं आपको बता दूं, एससी एसटी एक्ट को लेकर 20 मार्च को फैसला आता है, 2 अप्रैल को भारत बंद बुलाया जाता है, और सरकारी आंकड़ों के अनुसार 8 लोगों की जान चली जाती है। हिंसा के लिए जिम्मेदार कौन है और कितनी राजनीति हुई, और साथ ही कानूनी अगर लड़ाई लड़नी है तो क्या सड़कों के जरिए कानून को हाथ में लेकर लड़ी जाएगी, इसको लेकर चर्चा हम कर रहे हैं। कांग्रेस का पक्ष जानेंगे, मान साहब क्या लगता है, भारत बंद को समर्थन दिया जाना क्या वाकई बहुत जरूरी था, जब सरकार ने संकेत दिए थे जो कि चौहान साहब ने कहा कि रिव्यू हम करवाने वाले हैं इस फैसले का, सरकार खुद साथ थी दलितों के? देखिए, जो भारतीय जनता पार्टी या उसके नेता कहते हैं वो सच्चाई पर्दे के पीछे कुछ और होती है, और ये लोगों के कंजम्पशन के लिए कुछ और बोलते हैं जी। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है और देश में जितने भी दंगे फसाद हुए हैं, यदि आज कोई निष्पक्ष जांच करे जैसे ये औरों के करवा रहे हैं, तो बहुत सारे मसलों में या तो इनका सीधा हाथ मिलेगा या इनके द्वारा प्रायोजित होगा।
करणी सेना को भी तब समझ में आ गई राजपूत भाइयों को कि उनका इस्तेमाल करने की कोशिश हो रही है, और उन्होंने वो फिर इनको मध्य प्रदेश में और राजस्थान में ये बता दिया कि अब आपके बहकावे में कौन आने वाले हैं। एक आंकड़ों के ऊपर बड़ी भ्रमित सी खबर है, वो सोशल मीडिया में बहुत चली और यहाँ भी थोड़ी चर्चा आई कि कितने मामले हैं जो कि फेक मिले। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो है वो कोई ये तो है नहीं, उसकी फाल्स इंफॉर्मेशन है। इस मामले में जो ये एक्ट है 1989 का, उसमें 11,000 जो है केस दर्ज हुए, जिसमें से ये फैलाया गया कि 9,000 मामले फेक पाए गए, केवल फेक पाए 900, और एक जीरो लगा करके और सोशल मीडिया में ये भ्रांति फैलाई गई कि इसमें तो अधिकांश मामले फेक है। ये सच्चाई से दूर की बात थी। अब रही बात जो इस फैसले से जो अभी ताज़ा माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने दिया, उससे ये सरकार भी सहमत है इस बात से, चाहे वो लोग दिखावा ही सहमत हो, कि इससे कानून बनाया पार्लियामेंट ने, और कानून में यदि कोई तब्दीली होगी या उसको डाइल्यूट करना है या उसमें कोई बदलाव करना है तो वो अधिकार पार्लियामेंट का है। सुप्रीम कोर्ट अपने उन्होंने अतिक्रमण किया है पार्लियामेंट का, और वो या तो सरकार को वो कहती डायरेक्शन देती है, जैसे पहले भी कई फैसलों में दिया हुआ है कि आप इस कानून को बदलने की ज़रूरत है, पार्लियामेंट इसको कंसीडर करे, यहाँ उन्होंने ऐसे किया। दूसरी बड़ी बात है, ये शंका क्यों होती है और क्यों ज़्यादा जो है अनुसूचित जनजाति के लोग क्यों इस तरह से गुस्सा उनका देखा गया, कि केवल आप बात यहीं तक सीमित नहीं है, ये इस कानून में परिवर्तन तक सीमित नहीं है, उसकी जो नेक्स्ट सीढ़ी है वो रिजर्वेशन के ऊपर है। जैसा कि संघ के लोग कई बात खुले रूप में इस बात की वकालत करते हैं कि रिजर्वेशन इस देश से फिनिश होनी चाहिए। अब क्या चीज़ क्या है कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो कभी भी जो सच्चाई होगी उसके ऊपर नहीं बोलेगी, वो हमेशा ऐसी बातों पर जोर देगी कि जो मसले जो लोगों का सरोकार है, जो लोगों की तकलीफ है, चाहे वो तेल का मसला हो, वो GST के दायरे में लेकर के बात नहीं होने देगी, वो दूसरी बातों पे जो लोगों के और मसले हैं, वो रोजगार के ऊपर बात नहीं होने देगी, ये केवल जो है उन बातों पर जोर देगी जिससे दंगे बढ़ते हों, हाँ, और हाँ लोग जातीय उन्माद पैदा हो, धार्मिक उन्माद पैदा हो, इस रणनीति पर काम कर रही है। ज्योति जी, हिंसा के लिए मैंने पहले बताया, हिंसा के लिए वो उत्तरदायी है जो अनुसूचित जातियों जनजातियों के जो भोले भाले लोग हैं उनकी भावनाओं के साथ सुनियोजित षड्यंत्र के तहत खेलते हुए उनको गुमराह करके सड़कों पर ले आए और उनको हिंसक रूप देके उनसे वो काम कराया जो परंपरागत रूप से इस देश के दलित समाज के लोगों ने कभी नहीं किया। सुन लीजिए, देखिए मान साहब आपके बारे में मैं बोला नहीं था, मुझे कहने दीजिए ना, मैं उत्तर दे रहा हूँ। अगर सरकार रोक नहीं पाई तो क्या आप उनकी जांच करवाने को तैयार हैं? सुनिए तो सही, क्या उन सभी जांच करवाने को तैयार हैं? आप अरे सुनिए तो सही, जो भी हिंसा हुई वो उसको उसके पीछे उसको समर्थन देने वाले और सारे घटनाक्रम को मैनिपुलेट करने वाले प्रतिपक्ष के नीचे से लेकर ऊपर तक के लोग हैं। कांग्रेस के अध्यक्ष सीधे तौर पर मैदान में आकर के उस बंद का समर्थन करते हैं, ये जानते हुए भी। क्या कांग्रेस ने कहा कि सरकार की शय में हुई पूरी हिंसा? ज्योति जी, आप मुझे मेरी बात पूरा करने दीजिए। अभय चौटाला साहब ने जो कहा उसका भी जवाब दीजिए, क्योंकि आप विपक्ष पर आरोप लगा रहे हैं, विपक्ष आप पर भी आरोप लगा रहा है। मुझे मुझ पर सारे आरोप लगे, मैं उत्तर दे रहा हूँ। नहीं, कैसे सरकार का संरक्षण? अभय चौटाला साहब कैसे सर कुछ भी कह देंगे, समर्थन वे कर रहे हैं, संरक्षण हम दे रहे हैं, ये तो उल्टी बात है। मैं ये कह रहा हूँ कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो कहते हैं कि मैं मोदी जी का विकल्प बनना चाहता हूं, लोग हंसते हैं उन पर, वे बंद का समर्थन कर रहे हैं ये जानते हुए भी कि सरकार कह चुकी है स्पष्ट रूप से कि हम रिव्यू में जा रहे हैं, उसके बावजूद बंद का समर्थन करते हैं, और जो हिंसक हो रहे हैं, उपद्रव करने वाले लोग हैं, उनका उत्साह बढ़ा रहे हैं, देश में अराजकता फैले, इसकी सुनियोजित योजना बनाई जा रही है। अभी जेसी वर्मा जी ने कहा कि इस फैसले में रिव्यू की ही जरूरत नहीं थी, क्या फिर सरकार बैकफुट पर आई? हालांकि पहले जानकारी नहीं दी गई, एक बार फिर से कहूंगी, 1 अप्रैल को ही कहा गया, क्या राजनीतिक दबाव रहा, क्या वोट बैंक का रहा फैक्टर? मैं स्पष्ट कर दूं, वर्मा जी एक क्षण मुझे दे दीजिए, जिस समय ये निर्णय आया तत्काल भारतीय जनता पार्टी की ओर से भी और सरकार की तरफ से भी ये कहा गया था कि इस निर्णय की समीक्षा होगी। विजय सोनकर शास्त्री जो पार्टी के प्रवक्ता भी हैं, वरिष्ठ नेता हैं, उन्होंने स्पष्ट कर दिया था कि इस पर इस निर्णय के पुनर्विचार के लिए हम अदालत में जाएंगे। ऐसा नहीं है कि नहीं कहा गया, दुष्प्रचार कोई कुछ भी करे, 1 अप्रैल तो को कहा गया कि सोमवार को ही चले जाएंगे। सुन तो लीजिए, सुनिए तो सही, जब आप रिव्यू में जाते हैं तो उसके लिए तैयारी अध्ययन करके ही जाया जाता है। हम गए हैं,
हमारा ये कहना है कि प्रतिपक्ष केवल और केवल इस जो कानून है या कानून को लेकर जो अदालत का निर्णय आया उसका दुरुपयोग करने में पहले दिन से जुट गया था और किस किस तरह के षड्यंत्र ज्योति जी किस तरह के मान साहब कैसे कैसे गुमराह करते हैं मान साहब आप तो झूठ फैलाएंगे कि संघ आरक्षण को समाप्त करना चाहते हैं आपको किसने कहा आरक्षण का विरोधी है हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री जो है वो कहते हैं कि हमें लोकसभा और राज्यसभा के बारे में क्या खासा जो जानते नहीं वो संघ को बदनाम करने में जुटे हुए असली लड़ाई तो यही है कि देश में भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी की सरकार ये कैसे हिले सारा आंदोलन सियासी है सारा झगड़ा सियासी है और संरक्षण दिया सरकार ने जो कि अभय चौटाला साहब आरोप लगाते हैं कि जिन लोगों ने हिंसा दी हिंसा की उनको संरक्षण सरकार गठबंधन करने जा रही है ना मायावती के साथ एक बात समझिए इस बात को ज्योति मैंने गठबंधन करने जा रहे हैं मायावती के साथ हरियाणा बात का उत्तर अभी तक नहीं मिला कि सरकार की खुद की स्टेटमेंट के ऊपर ये सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया है तो ये पहले तो ये स्पष्ट करे कि क्या इन्होंने मैं उत्तर देता हूं सरकार ने एक मिनट सरकार ने आपने प्रश्न किया ना उत्तर ले लीजिए मेरे को पूरा प्रश्न मुझे पहले नहीं बोलने दीजिए आपने पूरा प्रश्न करने दीजिए क्योंकि मुझे इसका उत्तर देने नहीं देना है मुझे ये पैनल निर्णय की एक एक पन्ने का विश्लेषण करने का अवसर नहीं हो सकता बताइए आप अदालत में दे रहे कोर्ट में ये क्यों कहा कि ये सही है हम सुप्रीम कोर्ट में अनुसूचित जनजाति हकों के लिए लड़ रहे हैं आप सड़कों पर उत्पात करना चाहते हैं हम कानून के रास्ते संरक्षण के रास्ते इनके संरक्षण मैंने बताया था एक व्यक्ति ने तीन हत्याएं की थी वो मध्य प्रदेश में मैंने आपका नाम भी ऑन रिकॉर्ड कोट किया मैं आपको एक और स्पष्ट बता दूं राजा सिंह चौहान के खिलाफ सेक्शन 308 के तहत एफआईआर हुई है जबकि हत्या उन्होंने की तीन सेक्शन 308 में यहां पर सजा ही नहीं हो सकती उनके खिलाफ उनका कहना है कि मारने का प्रयास किया जबकि सारे हिंदुस्तान ने देखा कि सीधी रिवॉल्वर लगा करके उसके ऊपर तीन गोलियां मारी उन गोलियां मारने के बाद उस मामले को पूरे भारत में फैलाया गया लोगों को भड़काया गया संरक्षण इसे कहते हैं काम आप करते हैं संरक्षण इसे कार्यकर्ता राजा सिंह चौहान आप देते हैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता राजा सिंह आधिकारिक समर्थन कुछ आंकड़े हैं मैं उनको आपके सामने पेश करना चाहता हूं 2016 में 45,286 केसेस जो हैं जिनमें से 41,191 केसेस जो हैं वो अभी अंडर ट्रायल पड़े हुए हैं दूसरी तरफ जो अगर हम जो ट्रायल ओवर हुई है उसका केसेस देखें तो 9% का है शेड्यूल कास्ट के अंडर दूसरी तरफ बीजेपी शासित जो राज्य है जो आज बड़ा मतलब अपने आप को धुला पोछा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं मध्य प्रदेश में 2016 का आंकड़ा है उसमें आप देख लीजिएगा 49% जो है वो दलितों के ऊपर एट्रिसिटी है टोटल इंडिया का अगर कंटेक्स्ट देखा जाए तो हरियाणा प्रदेश में 35% है उत्तर प्रदेश में देखा जाए 29% है और गुजरात जो बीजेपी शासित राज्य रहा है और प्रधानमंत्री जी ने पूरे भारत में जिसका ढिंढोरा पीट कर देश में लोकतांत्रिक जो व्यवस्था है उसका हनन करने के लिए उस लोकतांत्रिक व्यवस्था को दिखाया है वहां पे 21% दलितों के साथ अत्याचार हो रहा है दूसरी तरफ मैं बात करना चाहता हूं कि बीजेपी शासित जो सांसद हैं बीजेपी के जो सांसद हैं सावित्रीबाई फुले उन्होंने खुले तौर पर कहा है कि बीजेपी जो है आरक्षण विरोधी है और वो आरक्षण को खत्म करना चाहता है जब महिलाओं के ऊपर उत्पीड़न हो रहा था 1991-92 में महिलाओं को सड़कों पर उतर कर कानून बनवाना पड़ा जैसी वर्मा जो कमेटी है आप उसको देख लीजिए जैसी वर्मा कमेटी जो है उसके रिकमेंडेशन को देखिए ये आपजनी हमारा आंदोलन नहीं है हमारा आंदोलन
आप लोग कानून है, कड़ी सेना आपके पास है, बजरंग सेना आपके पास है, सेना आपके पास है, आरएसएस की जो गुंडई है आपके पास है, आरएसएस की तमाम चीजों आप जानते नहीं, उन तमाम चीजों पे आरएसएस पर आवाज चल रहे हैं, आधार पर आप लोगों ने दर्शक नहीं सुन पाते, दर्शक नहीं सुन पाते, ठीक है, दूसरे अभी तथ्यों पर आइए, एक छोटी सी बात मैं बता देना चाहता हूँ, भाजपा के खिलाफ आइए, चुनाव लड़िए मैदान में, जो पूरा आप लोग कानूनी रास्ता क्यों नहीं अपनाते, आप माहौल खराब करने के हिस्सेदार भी क्यों बनते हैं, कारण भी क्यों बनते हैं आप लोग, जो आंदोलन था 2 तारीख भारत बंद का जो आंदोलन था, आह्वान किया गया था सामाजिक संगठनों के द्वारा, उस आंदोलन को बुलाया गया था, उसमें कोई आंदोलन था विजय जी, राजनीति आपकी दृष्टि से हो सकता है, आपकी दृष्टि से हो सकता है, सामाजिक संगठनों के द्वारा बुलाया गया था, गांव से जो लोग हैं, घरों से लोग निकले हैं, विश्वविद्यालयों से लोग निकले हैं, सड़कों पर लोग आए हैं, और इस चीज को प्रोटेक्ट करने के लिए कि आज भी जो है गांव में जो गलियां हैं उन गलियों में दलितों के साथ किस तरीके से उत्पीड़न होता है, किस तरीके से अत्याचार होता है, किस तरीके से कानूनी चीजों को लेने के लिए, कानूनी चीजों को उसको रिव्यू कराने के लिए सभी लोग जो है वो सड़कों पर उतरे हैं, हिंसा जो है सुप्रीम कोर्ट गए, हिंसा जो है सुप्रीम कोर्ट गए, हिंसा जो है आप लोगों के, आप लोग भी नहीं गए, हम लोग गए, हम लोग गए, हम लोग गए, आप बताइए कब गए, सुप्रीम कोर्ट कहती है आप नहीं गए, सुप्रीम कोर्ट कहती है आप नहीं गए, ये आप सच है, सुप्रीम कोर्ट सच है, मुख्यमंत्री ने कहा कि जो फैसला सुनाया गया उसमें सरकार ने पक्ष रखा ही नहीं था, सरकार नहीं रखा, सरकार ने पक्ष नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं रखा पक्ष, गांव के छोटे छोटे संगठन है ऐसी बात करते हैं, अगर आप सच्चे हैं तो आपको कानून के रास्ते से लड़ाई बोलते ही रहेंगे तो चर्चा कैसे होगी, प्लीज मुझे बता दीजिए, ज्योति जी सभी का अपना अपना एजेंडा है और अपने अपने एजेंडे में सभी पार्टियां सफल होती दिख रही हैं। दूसरा जो है मैं ये कहना चाहता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट की जिस जिस भी पॉलिटिशियन ने स्टेटमेंट सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ दी है उन सब के खिलाफ अवमानना का केस होना चाहिए, अदरवाइज तो हमारा सारा सिस्टम ही कोलैप्स हो जाएगा, एक कोर्ट ही तो जो बचा है जो हमारी डेमोक्रेसी को बचाने लग रहा है, अदरवाइज पॉलिटिशियंस आप हर रोज देखते हो पार्लियामेंट में क्या होने लग रहा है, दर्जन से पार्लियामेंट चल नहीं रही, दूसरा इन्होंने विजय कुमार जी ने एक बात कही, देखिएगा हमें सारे लोगों को जोड़ने की बात करनी चाहिए तोड़ने की नहीं, विजय कुमार जी ने एक बात कही, मायावती जी बार बार एक बात कहती है, ढोल गवार शूद्र और नारी ये सब ताड़न के अधिकारी, मनु जी ने जो कहा मनु जी को ही क्यों आगे लेके चल रहे, वो ऋषि ने अपनी बात दी, अपनी उनकी एक बात थी, हर आदमी अपनी अपनी बात करता है, हर चीज को तो लेके नहीं, आपने ऋग्वेद को भी देखना चाहिए, सारे जो चारों वेद है उनको आप पढ़ोगे आंखें खुल जाएंगी, उन्होंने समाज को जोड़ने वाली बातें कही है, उससे पढ़ना चाहिए, देखिएगा ऋग्वेद का एक पढ़ना चाहिए कहता है आपको पढ़ना चाहिए, आपकी भी आंखें खुल जाएंगी, आपकी आंखें खुल जाएंगी, आप डाइल्यूट मत कीजिए, ज्योति जी ये कोई विपक्ष कैसे जिम्मेवार ठहरा सकते हैं, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के सीनियर मोस्ट चार जजेज ने ये कहा कि एक नया फैशन चल पड़ा, अपनी पसंद का जज करो, उनके केस लगवाओ और मनपसंद उनसे से फैसला करवा लो, फिर अवमानना का यदि केस चलेगा तो पॉलिटिशियन को किस बात का निशाना बना रहे हो, जुडिशियरी के लोग जिम्मेवार लोग ये बात कर रहे हैं, वो तभी कह रहे हैं जब उनके पास फैक्ट्स तथ्य उनके सामने और वो तथ्य को रख भी रहे हैं, देखिए लोकतंत्र खतरे में ही बात कही गई थी, लेकिन फिलहाल विषय पर जी फिलहाल विषय पर रखेंगे, जेसी वर्मा जी जो कानून बनाने का अधिकार है वो संसद का है, क्या सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला उसमें दखल है, फिर देखिए सुप्रीम कोर्ट ने ये कुछ नहीं कहा, आर्टिकल 142 है कि सर्कमस्टांस इन द सर्कमस्टांसेस सुप्रीम कोर्ट कैन गिव डायरेक्शन, सुप्रीम कोर्ट कैन पास ऑर्डर ऑल्सो, ऑन द फेस ऑफ इट ये लगता है कि कोई ऑफेंस चाहे वो बड़ा है या छोटा है, इसमें तो ये ऑफेंस ऐसा नहीं है जिसमें कोई कत्ले गारत हुई हो, ऑफेंस ये है कि आपने किसी की इंसल्ट की उसको दर्द नहीं करना चाहिए, दैट्स राइट, अगर इस ऑफेंस में आपको हो गई कि ही मस्ट बी अरेस्टेड इवन विदाउट इंक्वायरी, मेरा ख्याल है कि सुप्रीम कोर्ट शुड हैव कम इयर्स बैक
ऑन दिस कि बिना इंक्वायरी के बिना इन्वेस्टिगेशन के आप कोई ऐसा एक्शन नहीं लीजिएगा। गवर्नमेंट को भी दोबारा सोचना चाहिए क्या ये रिव्यू वाली बात है कि नहीं है। संसद का अधिकार कानून बनाना है लेकिन उसको इंटरप्रेट करना सुप्रीम कोर्ट का भी है, कोर्ट का भी है। ये मत कहिएगा संसद इस तरह की, कल को संसद को ऐसा इफ गोज अगेंस्ट द फंडामेंटल आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, सुप्रीम कोर्ट कह सकती है बात सुनिए। विजय जी एक मिनट आइए, विजय जी एक बताइएगा, संसद का अधिकार है या सुप्रीम कोर्ट का अधिकार है? लेकिन क्या अधिकार है कि आप सड़क पर आकर आदमी मारो? क्या अधिकार है कि आप बिल्डिंग जलाओ? क्या अधिकार है कि आप कारें जलाओ? कोई भी पार्टी करे। देखिए और ये एक और बात है, ये दलित क्लास जिसको हम कहते हैं बहुत ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं होती, हम ये समझते हैं चाहे गलत है या ठीक है। एक मिनट, यही प्रॉब्लम है। एक ही रात रात में आप हजारों आदमी इकट्ठे कर लेते हो, क्या कर रहे हैं? कांग्रेस द्वारा समर्थित नियोजित आप प्रतिपक्षी एकजुट झूठ भारत में हम ये नहीं, बीजेपी जो है कृपा करके इतनी झूठ मत बोलो। आरोप लगाने का भी वक्त नहीं फिलहाल, ये बिना जांच आरोप लगा रहे हैं। कौन सी जांच हुई? सरकार है, कानून है, साथ ही सड़कों पर जिस तरह की हिंसा फैलाई गई, लड़ाई लड़ी गई, वो कितनी सही है उसको लेकर चर्चा की जा रही है। जी सर, नमस्कार। चार जज जो हैं वो हिंसा के पक्ष में नहीं हूँ। मैं हल्लो माजरा चौक पे मैं पर्सनली था, मैं पुलिस वालों के साथ खड़ा हुआ हूँ कि भाई कोई हा हल्ला नहीं करेगा पर्सनली लेवल पर। मैं आप